बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में खुशहाली प्रदान करे और माँ सरस्वती का कृपा आप सभी पर बना रहे। मेरी आवाज़ बैठी हुई है, उसका मैं रीज़न बताने जा रही हूँ। मैंने ब्लॉग बहुत लेट शूट किया है, लगभग 12:30 बज रहे हैं। मुझे लगा मतलब मैं अपने त्योहारों को आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आज है सरस्वती पूजा, तो मुझे लगा ये मिस हो जाएगा मेरे चैनल पे इस साल का, तो छोटा ही सही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं बताती हूँ पहले अपनी प्रॉब्लम। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था और मीटिंग में गई थी, वहाँ से मैं घर आई, मुझे सर में पेन हुआ और जुकाम हुआ और फीवर तो नहीं था लेकिन हेडेक था। मुझे साइनस प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी पेन रहता है और मैं इन्हेलर लगाते लगाते मैं तो पहले तो नाक वाला तोड़ ली क्योंकि मुझे इतना इचिंग हो रहा था इस जगह पे। और उसके बाद 2 दिन मुझे काफ़ी परेशानी हुआ, मतलब मेरी जो हालत थी काफ़ी ख़राब थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ और मुझे सर्दी हो गया। और फाइनली आज 3रा दिन है, अब मैं अपने बेड से उठ चुकी हूँ क्योंकि बेड पे ज़्यादा देर रहना मेरे से बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। और क्योंकि घर में मेरा एक विद्यार्थी है तो उसका दिल भी मुझे रखना है, पूजा कराना है। और राजीव काफ़ी इन दिनों मेरे लिए पॉजेसिव थे, सारे काम कर रहे थे मेरे लिए, उनको किचन भी देखना होता था, मुझे भी देखना होता था और बाहर दुकान भी देखना होता था। उन्होंने काफ़ी मेरी मदद करी, थोड़ा सा बीच बीच में इरिटेट भी किए दवा को लेकर, ये खाओ वो खाओ। तबीयत ख़राब होता है तो मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं होता है, दवाई का रिएक्ट आने लगता है मेरे स्किन पे। और मेरी जब भी तबीयत ख़राब होगी उनको टेंशन ज़रूर होता है लेकिन उनको ये बात का टेंशन होता है, इनको घर का काम करना हो जाता है। तो घर का काम चूँकि पूजा तो सब कुछ लगभग कर देती है लेकिन जो गर्म पानी है, चाय है, मुझे अजीब अजीब चीज़ खाने का मन कर रहा था, बड़ा पाव। और इन्होंने यूट्यूब पे देखकर कविता किचन जो फेमस यूट्यूबर हैं उनका लगाकर किचन में, और उन्होंने वैसे ही बनाया, काफ़ी अच्छी प्रयास थी उनकी। मैं उसके लिए यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अपने पति को थैंक यू बोलती हूँ। जिगर जो कि इन दिनों काफ़ी मेरा ध्यान रखा, ध्यान मीन्स काफ़ी चीज़ में मुझे इंगेज रखा और यहीं पे बैठा और तो 12:30 हो रहे हैं और ये कल से बोल रहे मम्मा और सबको बसंत पंचमी की बधाई दो, हैप्पी बसंत पंचमी एंड सरस्वती पूजा। और इसके पापा पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मैं इसे येलो ड्रेस पहना दी हूँ क्योंकि बच्चों को आज के दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए। ठीक है, पापा को भी टी शर्ट बोल दो येलो वाली पहनने। तो मैं ये कहना चाह रही थी, मेरे थोड़े देर पहले का मेरा जो चेहरा देखते तो शायद आप लोग कमेंट्स में लिखते गेट वेल सून, लेकिन मैं अपने घर के माहौल को चेंज करने के लिए मैं सबसे पहले ऐसा नहाना मैं कभी बंद। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो थोड़े देर पहले मेरा जो लुक देखते तो आप लोग शायद मुझे कमेंट्स में लिखते गेट वेल सून, तो मैं अपने परिवार मेरे घर के माहौल को चेंज करने के लिए मैं स्नान की, बाल तो सुलझाने की हिम्मत नहीं है हमारे में तो मैं ऐसे ही क्लचर लगा दी, बाकी येलो बिंदी सिंदूर, येलो कुर्ती, एक शॉल ओढ़ ली हूँ ताकि घर में लगे पूजा जैसा। दरअसल 3 दिनों से मैं बीमार हूँ लेकिन नहाना मैं बंद नहीं की थी, मैं नहा रही थी। और अभी का जो टाइम है ना पूरा मानसून टाइप का है, पता नहीं पूरा बारिश 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 हो रहा है और बर्फीले जगह पे पूरा बर्फबारी भी हो रहा है, तो
तो चलिए ठीक है, मैं ढेर सारी बातें कर ली आप लोग को, मैं अपनी खुद की जानकारी दे दी कि मैं 3 दिन से परेशान हूँ माइग्रेन और साइनस को लेकर। तो ये साइनस मेरा एक दिन जान लेकर रहेगा। तो ठीक है, अब मैं बेटर फील कर रही हूँ, पहले से बेहतर हूँ और फिर से आप लोगों से मिल रही हूँ। तो मैं चलती हूँ पूजा रूम में, और स्वस्तिक भी चल रहा है, मेरा एक पिंपल आ गया। करके मैं आ गई हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, हर वक्त कॉफ़ी लेके रखी हूँ और प्रसाद अभी खाऊंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी प्रसाद में क्या क्या मुझे मिला है। वो एक ले लीजिएगा, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो ये है आज का प्रसाद, तो इसे मैं खाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी खिचड़ी आ गई है, और ये रही हमारी पापड़ चोखा गायब है। इसमें आप वेजिटेबल्स वाले हैं, आपको आलू गोभी मटर ये दिख जाएगा, इसमें चोखे की कोई ज़रूरत नहीं है। और बड़ी मेहनत से ये खाना बनाया है, हमने नहीं बनाया इसे, पापा बनाए सब चीज़। और ये जो इतनी लजीज सब्जी है मेरे पति ने बनाया है, मेरी और ये पराठे, ये स्वस्तिक की खानी है और ये मेरी है। तो मैं खाना से सेव बुनिया और ग्रैप्स वापस ले आई हूँ। पता नहीं मुझे बहुत खाने का इच्छा कर रहा है, उस टाइम पे प्रसाद की मात्रा में खाई थी, तो वापस से मैं लेकर आ गई हूँ बैठ के खाने। और हमारा खाना पीना हो गया, आपने देख ही लिया होगा। और चूँकि ब्लॉग शूट कर लिए हैं तो उसको कंटिन्यू करना होगा, और थोड़े थोड़े देर पे मैं आज शाम तक का आपको अपना दिखा देती हूँ एक्टिविटी। और जिगर टीवी देख रहा है, जिगर को मैं बार बार बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, तो वो बोलता है मम्मा सरस्वती पूजा में कोई नहीं पढ़ता है, तो वो बहाने ढूंढ रहा है नहीं पढ़ने का, क्योंकि उसके पापा बोल के गए हैं जो बुक नहीं चढ़ाए हो भगवान पे वो तो कम से कम पढ़ लो। तो वो बोलता है नहीं पापा आज के दिन तो पढ़ा ही नहीं जाता है, तो उसके पापा भी स्माइल कर दिए, तो बच्चा का मन बढ़ गया, अब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। वो एक सीरियल आता है ना एमली, वो देख रहा है, और फिर वो जब आएगा यहाँ पे तो कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी उसकी, तो मैं आपको शामिल करके दिखाऊंगी। और फिलहाल मैं फिर से सरस्वती पूजा के प्रसाद इंजॉय कर रही हूँ, और मेडिसिन मैंने ले ली है। मेरी तबीयत बेटर है, लेकिन वही है थोड़ा सा आवाज़ बैठ गया है, उसको लाना पड़ेगा। तो आवाज़ जब बैठ गया है मुझे खुदा नीची फील हो रहा है, बाकी मैं बेहतर हूँ, अच्छी हूँ। और दुआ कीजिए फिर से अच्छे हो जाए। हम लोग, मैं और मेरा बेटा जिगर, आकाश से बात की थी, आकाश वही आकाश सिंह जो कि हुनरबाज में अभी बिहार का नाम रोशन किया है, पूरे भागलपुर को गर्व महसूस कराया है। और उसी आकाश से भी जस्ट हमारी बातचीत हुई वीडियो कॉल, और हमने उसको आशीर्वाद दिया है कि आपके हाथों में हुनरबाज की ट्रॉफी आए, ये हम लोग की आशाएं हैं। और ढेर सारी दुआएं दी ताकि वो फिर से उस मुकाम को हासिल करे। बच्चा बहुत ईमानदार है और बहुत गरीब फैमिली से है, तो हम लोग चाहते हैं जो भी हमारे ये ब्लॉग देखते हैं, आकाश जब भी परफॉर्मेंस करे कोई भी मतलब कलर्स पे आने वाला हुनरवास अभी चल रहा है, बाकी भी आने वाला कोई भी एपिसोड हो, प्लीज़ आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। बिहार का बच्चा है, नाम रोशन कर रहा है, हम लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। तो जब भी आएगा हम लोग आकाश का देखेंगे और लोगों से भी दिखवाएंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं रेस्ट, और घड़ी में बजने वाला है 4, तो ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और स्वस्तिक भी कर रहा था इंजॉय, और ये आज खुश है। क्यों खुश है जिगर, तुम बता दो। क्योंकि सरस्वती पूजा है।
और क्या, और आकाश। वो तो, और आकाश, और हम लोग आकाश से, आकाश भैया से बात किए हैं कि दो बार बात कर चुका है, दोस्त। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को देखिए डबल डबल बिंदी मैं भी तो पकड़ जब है। नहीं मैं यहाँ पे चिपकाई थी और वो इधर सुधर हो गया।